हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है सुबह का 10 और यहाँ पर मैं, आप लोग देख ही सकते हैं, मैं यहाँ पे चारकोल मास्क यूज़ कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम इसको पूरे चेहरे पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ओनली नोज़ पे लगा लेते थे जैसे ब्लैक हेड वाइट हेड वगैरह सब निकल जाते थे, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना पूरे फेस पे अप्लाई करके देखती हूँ। ये लगा रही थी मैं तो मेरा बेटा वहाँ से गया और बोलता है कि मम्मी ने अपना मुंह ब्लैक कर लिया, ब्लैक कर लिया, ऐसा करके बोल के पापा से गया। तो उसके पापा बोलते हैं अरे क्या हो गया, और बाहर आए वो देखने के लिए कि मम्मी ने मुंह काला कैसे कर लिया। सुनो, मैंने उनको बताया कि चारकोल मास्क लगा रही हूँ और ये देखिए मेरा चारकोल मास्क जो है मैंने कम्प्लीटली लगा लिया है। तो इस ये देखिए अभी निकाल रही थी, थोड़ा सा सूख गया है, मतलब इसको 10-15 मिनट लगते हैं सूखने में। और फ्रेंड्स बता रहे लिटरली बहुत ज़्यादा दुखता है, ये खींचने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम क्योंकि यूज़ करा है इसको पूरे चेहरे पे, और आज थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि सफाई कर लूँ। किचन के डिब्बे वगैरह हैं वो थोड़े से ऊपर से गंदे हो जाते, सब गंदे हो जाते, मतलब 15-20 दिन पहले ही धोया था, धोया नहीं था मैंने। तो मैं सोची कि सब कुछ सामान निकाल लेती हूँ और कर लेती हूँ। ये सब स्टॉक है फ्रेंड्स लॉकडाउन के दौरान जो मैंने भर के रख लिया था, मैगी वगैरह, क्योंकि बच्चों को चाउमीन की आदत तो आती है और मुझे भी आती है, मैं भी बहुत खाने की शौकीन हूँ, तो मैं मैगी उसको बना के दे देती हूँ तो चाउमीन बोल के वो खा लेता है। पहले नहीं खाता था बट अभी खाने लगा है, वो चाउमीन ही समझता है इसको। तो ये सब सामान मैंने स्टॉक ऐसे ही भर के रख लिया था, थोड़ा ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह, टोस्ट, ये सब तो रोज़ में लगता ही है, और बेसिक चीज़ें सब तो थी मेरे घर में, बस ऊपर से जो खाने की चीज़ें वही सब मैंने भर दी थी। तो बस मैं जा रही हूँ यहाँ सफाई करने के लिए, ये सब डिब्बे मैंने खाली कर लिए हैं। और ये तो जैसे कि हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं ना तो वो सब जम जाता है, उस पर भाप वगैरह भाप जाती है तो जम जाता है। तो ये देखिए अभी मैं धो रही हूँ ये सारे डिब्बे, मैं सोचा कि आज स्टील के सारे डिब्बे निपटा लेती हूँ, फिर कल जो है मैं प्लास्टिक के डिब्बे धो लूँगी, कुछ प्लास्टिक्स के रखे हुए, और फिर मुझे क्या ना किचन की सफाई भी करनी है। और फ्रेंड्स ये तो सही बात है कि हाउस हेल्पर्स के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते, हाउस हेल्पर्स वो अपना घर समझ के नहीं करते ना काम, और मेरा बेटा है और थोड़ा सा करने नहीं देता है, वो इधर उधर प्रॉब्लम करता है, तो हाउस हेल्पर्स के भरोसे घर छोड़ना तो मतलब घर बर्बाद ही कराना है अपना। और किचन तो खासकर मेरी फेवरेट जगह है, बाकी मेरा कैसा ही रहे मैं किचन को साफ कर रखने की ही कोशिश करती हूँ। 15-20 दिन पहले ही धोए थे बस, और ये डिब्बे मैंने धोए नहीं थे, कम से कम हो गए थे 20-25 दिन तो होने वाले, तो मैं सोचा डिब्बे धो लेती हूँ। हाउस हेल्पर्स का काम वो अपना घर नहीं समझते हैं ना इसलिए, और करते भी नहीं है, उनको क्या करना है कि उनको, जो प्राइवेट हाउस हेल्पर्स रहते हैं तो वो तो ठीक है, थोड़ा डरते भी हैं, और जब गवर्नमेंट की तरफ से मिले होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या है, गवर्नमेंट तो हमको पैसा दे रही है, हम करें या ना करें काम, और हमारा घर थोड़ी ना है, करते भी नहीं है ठीक से। तो मैंने सोचा कि क्यों करवाऊँ उनसे, क्या मतलब है फिर टोको डबल से करें वो लोग, और ढंग से करते ही नहीं है, गंदगी जमी है तो उसमें जमी हुई है, कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। और मैं सोची कि अपने घर की सफाई खुद ही करो, और एक औरत ही अच्छे से अपने घर की सफाई कर सकते हैं, गृहिणी है वही समझ सकती है। और किचन तो खासकर मुझे क्लीन चाहिए रहता है, अभी मैं किचन क्लीनिंग का भी ब्लॉग डालूँगी आगे। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल सोचा कि डिब्बे वगैरह सब धो लेती हूँ। तो ये सर्फ़ मैंने यहाँ पे जो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर वो ले लिया था, एक तो वो चिकना वाला सर्फ एक्सल वगैरह एरियल लो तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, ये घड़ी डिटर्जेंट सबसे बेस्ट है अगर वैसे सफाई करना है तो, चिकने वगैरह सब निकल जाती। थोड़ा गर्म पानी मैंने कर लिया था और उसमें सर्फ डाल लिया था, तो बस उसी से घिस रही हूँ ताकि वो सब जो सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उड़ के चली जाती है। तो जिसके यहाँ चिमनी है तो वो बहुत ही अच्छा है, मॉड्यूलर किचन नहीं है मेरा ये फ्रेंड्स, रेंटेड हाउस है, अभी मैं रेंट से रहते हैं हम लोग यहाँ पे, अब खुद का घर तो है नहीं, तो जितना उन्होंने दिया मकान मालिक उतना ठीक है, जितना बना हुआ था, न्यू ही है घर, ज़्यादा उसमें अभी बना नहीं है। लगभग सभी डिब्बे मेरे धुल चुके हैं, अब ये बड़ी वाली टंकी धो रही थी, इसमें तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है बार बार, क्योंकि खोलते हैं इसी सामान निकालते हैं तो और ज़्यादा इसमें गंदगी जमा हो जाती है बाहर साइड में, खासकर अंदर से तो साफ़ ही रहता है खैर,
ढक्कन वगैरह में भी तेल वगैरह के हाथ लगा दिए। बच्चे ही आके टीपू बार बार उसको खोलता है, नीचे रखा हुआ है तो, क्योंकि कवर्ड है नहीं मेरे किचन में, नॉन मॉड्यूलर है बस फ्रेंड्स। तो अब मैंने सोचा कि लेट हो जाएंगे तो चलो खाना बना लूँ बस। हाउस हेल्पर जो है हमारे, मैं सिर्फ उनसे रोटी बनवाती हूँ क्योंकि सब्जी तो उनको बनाना आती नहीं है। और जितना देर में फ्रेंड्स, मेरा तो ये कहना, जितना देर में हम दूसरों को बताएंगे तो खुद ही कर लेंगे। और वैसे मुझे ना खाना थोड़ा अच्छा खाने की आदत है, कुछ भी नहीं खा सकती मैं कि कैसे ही टेस्ट आ रहा है और कैसे ही खा लिया। तो मैं खुद ही बनाती हूँ यहाँ पे सब्जी वगैरह कुछ भी हो गया, और रोटी वगैरह जो है ये हाउस हेल्पर है हमारे, तो बस उनसे मैं बनवा लेती हूँ। बाकी सब्जी दाल चावल अच्छे से मैं बनाती हूँ। तो मैं सोचा जब तक ये सूखेंगे, डिब्बे वगैरह सूखने के लिए डालूँगी, तब तक कि मैं बना लेती हूँ, दाल उबल जाएगी मेरी। अब यहाँ पर जो है डिब्बे सब सूखने के लिए पीछे डाल दिए मैंने गैलरी में, और छत तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ऊपर है और वो बंद भी है क्योंकि ऊपर वाले जो रहते हैं वो गई हुई हैं, तो वो ताला लगा गई है वहाँ पे। तो मैंने पीछे ही डिब्बे, थोड़ा सा धूप थी तो इसको कॉटन के कपड़े से पोंछ पोंछ के रखते गए, क्योंकि वो उससे वो जम जाता है, उसमें धब्बे हो जाते हैं पानी के भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं थोड़े से भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ एक लाइक भी दे देना, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।